आरबीआई का पेटीएम को सभी सर्विसेज बंद करने का आदेश। आपके पेटीएम अकाउंट और फास्टैग का क्या होगा, जानिए हर एक सवाल का जवाब। देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी पेटीएम के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाओं पर मार्च से रोक लगा दी है। केवल ट्रांसफर और विड्रॉल की अनुमति होगी, लेकिन आप 29 फरवरी से अपना वॉलेट या फास्टैग टॉप नहीं कर सकेंगे। साथ ही आप अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। यह हम आपको बता रहे हैं कि पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन का यूजर्स पर क्या असर होगा। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट संभव है? आरबीआई के एक्शन से उन यूजर्स को परेशानी हो सकती है जिन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में 29 फरवरी तक पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद इसे खत्म होने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका यूपीआई एड्रेस एसबीआई या आईसीआईसीआई जैसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो आरबीआई के एक्शन से आप पर कोई असर नहीं होगा। क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट स्वीकार करेंगे? जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में फ्रेड क्रेडिट की अनुमति नहीं है। लेकिन कई कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। आपके वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है, आप अपना वॉलेट बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। आप वहां पड़े पैसों से बिजली या टेलीफोन का बिल दे सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है, पेटीएम फास्टैग यूजर्स को दूसरे इश्यूअर से नया टैग खरीदना होगा और अभी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे डीएक्टिवेट करना होगा। पेटीएम के जरिए लिए लोन का क्या होगा? पेटीएम के जरिए लोन लेने वालों को लगातार रीपेमेंट करते रहना होगा क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी लेंडर का है, पेटीएम का नहीं है। अगर कोई कर्जदार समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। स्टॉक म्यूचुअल फंड सर्विसेज का क्या होगा? इन सर्विसेज को सेबी रेगुलेट करता है और ये आरबीआई के ऑर्डर के दायरे में नहीं आती है। अभी तक ये साफ नहीं कि सेबी इनकी समीक्षा करेगी या नहीं।